दोस्तों, ये मेरे घर की छत पे एक आप बेल देख रहे हैं, जो कि एक सदाबहार बेल है। और इस मौसम में ये तकरीबन अपने आधे पत्ते गिरा देता है आहिस्ता आहिस्ता। अगर आप देखें तो ये सारे पत्ते जो हैं, उनकी ये वाले पत्ते और ये सब, और वहाँ मैंने कुछ बोरियाँ जमा की हुई है इसके पत्तों की, तो ये इसने गिरा दिए थे पिछले एक माह में। तकरीबन 3-4 बोरियाँ जमा हो चुके हैं इसके पत्तों की, वो सिर्फ इस पोर्शन से जो कि छत के ऊपर आ चुके हैं नीचे से। और ये हाइट जो है ऑलमोस्ट कोई 32 फुट ऊपर है ज़मीन के। तो इसको मैंने बाकायदा गाइड किया है कि ये यहाँ तक आए, और यहाँ पे तारों के साथ इसको लगाया है ताकि ये यहाँ पे एक छप्पर टाइप एक बनाए, और इंशाल्लाह अगले साल तक पूरा एक छप्पर बन जाएगा यहाँ पे मेरी छत पे। तो चलिए आज आपको इसकी बातें सुनाता हूँ। तो ये इसे कहते हैं विधारा पेल, और ये हिंदुस्तान की, पूरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की नेटिव एक पेल है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एलिफेंट क्रीपर। तो ये तकरीबन सदाबहार होती है पूरा साल, इसके पत्ते रहते हैं इसके। गर्मियों में ये इसके पत्ते बहुत टेंस हो जाते हैं स्पेशली। तो ये जो है, इसमें घोंसला बनाया हुआ है यहाँ पे एक डव ने, फाख्ता ने, ठीक है। और इसके जो बीज है वो ऐसे होते हैं, ये देखिए ऐसे। तो ये बीज, ये जो इसके सीड पॉड्स है ना, ये खुराक है बहुत से बर्ड्स की। तो बहुत से परिंदे आके इसको खाते हैं, ये देखिए कैसे यहाँ में खा रहे हैं। परिंदे ने खाया था, देख रहे, और इसके सीड निकले हुए हैं। सिर्फ पॉड खाते हैं परिंदे, बहुत न्यूट्रिशन होता है इनके लिए। और जो बीज नीचे गिर जाते हैं वो फिर गुलेरिया खाती है। ये देखिए, ये इसके सीड्स हैं। अफसोस कि यहाँ पे गुलेरिया नहीं है यहाँ पे हमारे घर, तो ये सीड्स मैं जमा करता हूँ। बाकी ये हर वक्त अपने फूल गिराती रहती है, ये देखिए। मतलब कि जो फूल पोलिनेट हो जाए ना, तो वो नीचे गिरा देती है। यस, ये है, ये फूल पड़े हुए उसके, मतलब जैसे पोलिनेट हुआ और से नीचे गिरा दिया। तो इस फूलों में एक ख़ास किस्म का रस होता है जो कि चूंटियाँ खाती है। तो ये फूल बड़े होते हैं हर वक्त चूंटियों से, तब तक जब तक ये ऐसे खुश्क ना हो जाए, देख रहे हैं। यहाँ पे भी इसके बीज पड़े हैं, यूँ मैं इसके सीड्स जमा करता रहता हूँ ताकि मैं कहीं और जाके गुलहरी खुलूँ। और ये जो बेल था हमारा, ये सिर्फ ऐसे ही एक बीज से मैंने बनाया था, और ये अब तक कई लाख बीज दे चुका है 3-4 सालों में। तो दोस्तों, ये हमारा विधारा बेल जो था इसकी, तो बाज़ार ये लगता है कि ये हिंदुस्तान में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जहाँ के रेन फॉरेस्ट होते हुए ये वहाँ का है, क्योंकि इसकी जो डेंस, जो उसकी छांव होती है, इसकी जो पत्ते डेंस, और जितना ये पत्ते गिराता है ताकि ज़मीन की मल्चिंग हो, तो बाहर ऐसा लगता है जैसे कि ये रेन फॉरेस्ट का ही एक स्पीशी है। और ये प्रोवाइड करता है फूड मुख्तलिफ स्पीशीज़ के लिए, परिंदों से लेके चींटियों तक, बग्स तक, उनके लिए ये शेल्टर देता है बर्ड्स को, उनके घर वगैरह बहुत कुछ। और ये बहुत ही एनरिच करता है सॉइल को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पत्ते गिराता है, ठीक है। और जब जब मैंने इसके पत्तों को यूज़ किया अपने किचन गार्डनिंग के लिए, तो मुझे बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिले हैं। तो ये थी कहानी विधारा बेल की।